Hey students, welcome back in the session of our question karke dekhi. This one is the sixth part of atomic structure and in this part we will discuss the previous year questions related to radial and angular wave function and probability distribution curves. Students, with this video lectures we will complete all the previous year questions related to atomic structures. So let's see the questions. Yes, students, first question जो आपके पास है that is define radial probability curve. Radial probability curve को explain करना है आपको क्या होती है MDU 2014 के अंदर question आया है. तो देखिए students, जो radial probability curve है वो आपको कब obtain होती है, जब आप एक graph plot करते हैं radial probability के बीच में और distance from the nucleus के बीच में. ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं a graph between फोर पाई आर स्क्वेयर साई स्क्वेयर. इसको आप क्या बोलते हैं, फोर पाई आर स्क्वेयर साई स्क्वेयर को बोला जाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी. रेडियल प्रोबेबिलिटी जो क्या होती है भी आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द सेल. दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सेल. ठीक है, तो एक ग्राफ बिटवीन 4 पाई आर स्क्वेयर साई स्क्वेयर एंड डिस्टेंस From nucleus. ठीक है, तो उस टाइम आपको क्या मिलता है, सपोज कीजिए कि आप जब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिलता है. ओके, आप जब ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, 4 पाई आर स्क्वेयर साई स्क्वेयर जो क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी है, और किसके बीच में कर रहे हैं आप, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस दैट इज आर. ठीक है, तो उस टाइम जो आपको ग्राफ मिलता है वो ग्राफ आपको इस तरह का मिलता है. दिस वन यू गेट लाइक दिस टाइप ऑफ ग्राफ. ठीक है, यहां एक मैक्सिमम रीजन जो है वहां रेडियल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है. ठीक है, तो यहां इस केस में आपके पास क्या है, यहां जो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो स्टार्टिंग है बिल्कुल बिल्कुल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास और बिल्कुल न्यूक्लियस के बहुत दूर. ठीक है, मीन्स आप कह सकते हो कि अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड नियरर टू द न्यूक्लियस. दिस इज नियरर टू द न्यूक्लियस एंड ये क्या है आपके पास, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. यहां आप देख रहे हो जो प्रोबेबिलिटी आपके पास आती है, दोनों ही केसेस में जो प्रोबेबिलिटी आपके पास आई है वो ऑलमोस्ट क्या है आपके पास, जीरो है, नियरली जीरो है. ठीक है, वन ऑब्जर्वेशन इज दिस. एंड सेकंड ये है कि यदि आप एक डेफिनेट पॉइंट पर जाते हो, डेफिनेट डिस्टेंस पे जाते हो न्यूक्लियस से, ठीक है, तो वहां प्रोबेबिलिटी आपको क्या दिख रही है, मैक्सिमम. तो यहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ ये जो कर्व आपको मिली है, ठीक है, ये जो कर्व है उसी को क्या बोला जाता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व. ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो आर इज टर्म्ड एज रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व. तो आपके पास रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो किस किस के बीच में, आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं 4 पाई आर स्क्वेयर साई स्क्वेयर एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस. डिस्टेंस क्या है आपके पास, आर फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो जो आपको कर्व मिलती है वो क्या होती है, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व. क्वेश्चन एमडीयू 2014 के अंदर पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर आपको 1s, 2s और 3s के लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व
शो करनी है, ठीक है। या इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन 1s, 2s एंड 3s ऑन द बेसिस ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बेसिस पर 1s, 2s और 3s ऑर्बिटल्स को आप क्या करें, डिफरेंशिएट करें। क्वेश्चन MDU 2014 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी है, रेडियल प्रोबेबिलिटी वो आपके पास क्या होती है, रेडियल प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्मॉल रीजन, ठीक है, स्मॉल रेडियल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, मींस प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्मॉल रीजन, इन ए स्मॉल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है उसे क्या बोला जाता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, उसको आप लिखते हो 4πr² dr या साई स्क्वेयर भी बोल सकते थे, तो dr होता है, ठीक है। जब भी आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है, जब भी आप क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे किस किस के बीच में, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो 4πr² dr साई स्क्वेयर एंड डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो आपको क्या मिलेंगे, हम 1s, 2s और 3s की क्या कर सकते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब फर्स्ट केस आप लेते हैं, किसका फर्स्ट केस आप लेते हैं, 1s का केस, ठीक है, तो 1s के केस में आपको जो कर्व मिलेगी वो कर्व मिलती है आपको कुछ इस तरह से, ठीक है। सेकंड जो केस है आपके पास वो क्या है, आपके पास 2s का, तो 2s के केस में जो कर्व मिलती है वो आपके पास होती है विद टू हम्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या है, 3s, तो 3s के केस में आपके पास जो कर्व मिलती है वो मिलती है 3 हम्स के साथ, ठीक है। नाउ देखिए, यहाँ पर ये जो कर्व है आपने किस तरह से फॉर्म की है, ओके, जब हमने क्या किया है, हमने कर्व किस किस के बीच में ऑब्टेन किया है ग्राफ आपके पास, वो किया है 4πr² dr साई स्क्वेयर, ओके, एंड डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड 4πr² dr साई स्क्वेयर, अगेन थर्ड केस में भी हम ये लिखेंगे 4πr² dr एंड साई स्क्वेयर। नाउ देखिए, यहाँ पर कर्व इस तरह की क्यों आई, कि जब आपने यहाँ 1s का केस लिया, तो 1s के केस में हम देखते हैं कि नोड क्या है, नोड्स का मतलब क्या समझते हैं आप, नोड का मतलब है जहाँ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो, जीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपके पास नोड होता है, ठीक है। तो उस केस में आपके पास कोई नोड नहीं मिलेगा, प्रोबेबिलिटी यदि जीरो है, तब देखिए, यदि मैंने 1s का केस लिया, तो 1s के केस में यदि मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखूं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ क्या है, फर्स्ट एल का है, जब मैं एल की वैल्यू देखूं, तो एल क्या है, यहाँ पर एस है, और एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। नंबर ऑफ नोड्स यदि आपको निकालना हो, नंबर ऑफ नोड्स यदि आप फाइंड आउट करोगे, तो फॉर्मूला आपके पास होता है n माइनस एल माइनस वन, ठीक है। नाउ पुट अप कीजिए वैल्यूज को, तो आपके पास n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, एंड 1 इसमें से माइनस करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, 0, ठीक है। तो जो 1s है उसके केस में आपको कोई नोड अपियर नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ आपके पास क्या है, कोई नोड अपियर नहीं होता है, मैक्सिमम आपके पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी शो हो रही है, तो यह है आपके पास 1s के लिए। नाउ जब आप 2s का केस लेते हैं, ठीक है, तो 2s के केस में देखिए, अगेन जब हम यहाँ n की बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2s के केस में आपके पास क्या आएगा, n आएगा आपके पास 2, l की वैल्यू अगेन s है, तो 0। जब आप नंबर ऑफ नोड्स निकालते हो, नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करोगे, तो फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन
तो n की वैल्यू आपके पास 2, l की वैल्यू 0, माइनस 1, तो आपके पास 1 नोड बचता है। ठीक है, ये क्या है आपके पास 1 नोड। तो यहाँ ये जो है आपके पास एक नोड है, ये जो पॉइंट आपके पास यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है ये क्या है 1 नोड है। ओके, नाउ जब हम थर्ड केस का डिस्कशन करते हैं तो थर्ड केस में आपके पास क्या है, थर्ड केस में आपके पास गिवन है 3s, दिस वन इज 3s। जो 3s का केस लेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, L की वैल्यू S है तो 0 हुआ। देन आप नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ नोड्स तो फॉर्मूला होगा N माइनस L माइनस 1, सो यू कैन राइट हियर N 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ पर टू नोड्स जो है अपीयर हो रही हैं। टू नोड्स आपके पास कहाँ है ग्राफ्स के अंदर, वन इज हियर एंड अनदर वन इज हियर। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, ग्राफ प्लॉट होगा। यदि हम इसका पर्टिकुलरली ग्राफ शो करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है ग्राफ प्लॉट होता है कि आपके पास यहाँ प्रोबेबिलिटी जीरो, सॉरी दिस वन इज जीरो, एंड देन आपके पास आता है जीरो, फिर एक नोड आता है, फिर उसके बाद ग्राफ में फिर थोड़ा ऊपर आएगा और फिर उसके बाद क्या होता है आपके पास पर्टिकुलरली इस तरह से ग्राफ फॉर्म होता है 3S के लिए। तो जैसे जैसे हम नेक्स्ट सेल की साइड जाते जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज होते जाते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन MDU 2014 के अंदर आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अकॉर्डिंग टू रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विच एस ऑर्बिटल हैव नो हम्प्स, जिसके अंदर कोई हम्प्स नहीं है, कोई नोड नहीं है। सेकंड है विच एस ऑर्बिटल हैव वन नोड। ठीक है, हम्प्स एंड नोड्स आर द सेम थिंग्स, हम्प्स एंड नोड्स आर द सेम थिंग्स। ये आपसे हम्प्स के लिए बोला जाए या नोड्स के लिए बोला जाए, दोनों एक ही चीज है। तो क्वेश्चन MDU 2012 एंड 16 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा ऑर्बिटल ऐसा है जिसके अंदर कोई हम्प्स नहीं होता है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं 1s से, देन उसके बाद आता है आपके पास 2s, देन आता है आपके पास 3s। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही डिस्कस किया है। तो देखिए, जब हमें नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं तो हम n माइन हम फॉर्मूला जो निकालते हैं नंबर ऑफ नोड्स के लिए वो क्या होता है, n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1। तो यहाँ पे यदि मैं n की बात करूँ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, फर्स्ट सेल है ये। l की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, s के लिए, तो वैल्यू होती है l की 0। देन आप क्या करते हो, नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस l माइनस n माइनस l माइनस 0। ठीक है, n की वैल्यू 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 0। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते थे तो आपने ये देखा था कि यहाँ कोई हम्प्स नहीं है, कोई नोड्स नहीं है। ठीक है, यहाँ हम बोलेंगे नो नोड, कोई नोड नहीं है या कोई हम्प्स नहीं है। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया था, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर एंड आर के बीच में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है आपके पास वो है, यदि हम 2s को डिस्कस करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज 1s। ठीक है, सेकंड क्या है आपके पास, 2s का केस। यदि 2s का केस लिया जाए तो n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू अगेन s है तो 0 है। यदि मुझे नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला के अंदर पुट अप करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, 1। ठीक है, यदि आप 1 वैल्यू रखेंगे तो उस केस में आपके पास क्या दिखा कि नोड क्या आया आपके पास, 1। ठीक है, आपने जब ग्राफ प्लॉट किया था पिछले क्वेश्चन के अंदर तो उसके अंदर आपने क्या दिखाया था कि आपके पास इस तरह से 2s के अंदर 1 नोड था, ये जो नोड था आपके पास वो 2s के केस में था। ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया, अगेन आपने किया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर एंड आर स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1s हुआ एंड सेकंड का 2s। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि विच एस ऑर्बिटल हैव टू नोड्स, तो देखिए जब आप 3s को सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ नोड्स क्या आएंगे, 3 आएंगे, सॉरी 2 आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स विल बी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, दैट इज एक्सप्लेन अ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 1s 2p एंड 3d। ठीक है, तो आपके पास 3 केसेस गिवन है, केसेस क्या क्या है आपके पास, फर्स्ट केस है 1s का, सेकंड है 2p का और थर्ड है 3d का। तीनों के अंदर अगेन वही बात, आपसे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर्म करने के लिए बोला है। तो आपने बोला था रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या थी, न्यूक्लियस के अराउंड में कितने प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स मिलने की। ठीक है, तो अब आप इसके लिए क्या करते थे, आप इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते थे, किस किस के बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, 4 पाई स्क्वायर, दिस वन इज 4
पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर फॉर पाई आर स्क्वेयर डी आर एंड साई स्क्वेयर, ठीक है, एंड डिस्टेंस आर के बीच में। सेकेंड टोपी के केस में भी आप क्या करोगे, ग्राफ ही प्लॉट करोगे, ठीक है। यहाँ भी आपको कर्व फॉर्म करने के लिए बोला गया है, तो कर्व आप प्लॉट करोगे, दैट इज किस किस के बीच में, अगेन आर एंड फोर पाई आर स्क्वेयर डी आर साई स्क्वेयर, एंड अगेन नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या है, 3D का केस है, तो उसमें भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, फोर पाई आर स्क्वेयर डी आर साई स्क्वेयर एंड आर के बीच में। तो देखिए अब यहाँ हमारे पास कर्व्स किस तरह की फॉर्म होगी, वो डिपेंड करता है कि 1S, 2P और 3D के बीच आपके पास नोड्स कितने हैं, ठीक है। तो नोड्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया है, नोड्स के लिए फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, इसमें आपको n की वैल्यू चाहिए, l की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप जब 1S का डिस्कशन करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से आती है 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यह क्या है 1 है। जब आप l की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो l s है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। नंबर ऑफ नोड्स आप फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ नोड्स तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस वन, सो आप यहाँ पर वैल्यू पुट अप कीजिए, n की वैल्यू 1 माइनस 0 माइनस 1, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, 0। तो इट मीन्स जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको वहां कोई भी नोड शो नहीं करना है, तो नोड शो नहीं होगा तो आपके पास मैक्सिमम रीजन और लोअर रीजन ही शो होगा, ठीक है। यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 है और यहाँ प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड नियरर टू द न्यूक्लियस, और यहाँ प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, मैक्सिमम है। ये आपके पास ग्राफ हुआ 1S के लिए। नाउ सेकेंड केस हम जब डिस्कस करते हैं किसके लिए, 2P के लिए। तो देखिए जब 2P है, 2P के लिए आपके पास n की वैल्यू यहाँ 2 है, l के लिए आपने पढ़ा है s p डी एफ, तो इनके लिए जो एल की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है, क्वांटम नंबर के लेक्चर में आप वहां इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एन क्या है, 2 है, एल की वैल्यू पी है, तो क्या होगा 1। नाउ नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट कीजिए, नंबर ऑफ नोड्स, तो नंबर ऑफ नोड्स के लिए फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन, सो पुट अप कीजिए वैल्यूज को, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है एंड 1, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, अगेन 0। इट मीन्स 2P के केस में भी आपके पास जो कर्व फॉर्म होगी वो विदाउट नोड्स आएगी, ठीक है। उसके केस में भी आपके पास कोई नोड नहीं है, एक मैक्सिमम रीजन शो होता है, दैट इज दिस वन, ठीक है। नाउ डिस्कस करते हैं 3D का केस। तो देखिए जो 3D है उसके केस में आपके पास n की वैल्यू क्या है, 3 है। जब आप l देखते हैं तो d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो आपके पास 2 वैल्यू हुई। नाउ नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट कीजिए, नंबर ऑफ नोड्स, फॉर्मूला अगेन वही n माइनस एल माइनस 1, वैल्यू पुट अप कीजिए 3 माइनस 2 माइनस 1, सो आंसर हियर अगेन 0। तो आप यहाँ भी जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो आपके पास क्या होगा, ग्राफ अगेन हियर दिस वन, ठीक है। यहाँ भी आपके पास नोड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देखिए जब आप यहाँ से क्या कंक्लूजन फॉर्म कर सकते हैं कि जब भी आप किसी भी ऑर्बिटल की स्टार्टिंग देखते हो, जैसे s की स्टार्टिंग 1 से होती है, 1s से, ऐसे ही p ऑर्बिटल की स्टार्टिंग कौन सी सेल से होती है, 2 से होती है, और d ऑर्बिटल की स्टार्टिंग कौन सी सेल से होती है, 3 से होती है। तो उस केस में आपके पास जो नोड्स आते हैं वो क्या आते हैं, 0 आते हैं, मीन्स विदाउट हम्प्स, विदाउट नोड्स आपके पास कर्व्स ऑब्टेन होंगी। क्वेश्चन MDU 2011 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ड्रा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 3S, 3P, 3D एंड हाउ मेनी नोड्स। सेकंड इसने ये भी पूछा है, हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन देम, उनके अंदर कितने कितने नोड्स प्रेजेंट है। क्वेश्चन KU के 2014 के अंदर पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स अगेन हम वही करेंगे, यहाँ पर भी हमने 3S लिया, देन आपने 3P लिया एंड देन आपने 3D, इन तीनों के केसेस में आपसे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पूछा है। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर्म करने से पहले आप नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ नोड्स के लिए आपके पास फॉर्मूला जो है, नंबर ऑफ नोड्स के लिए फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस वन, ठीक है। तो हम इस वैल्यूज के अंदर, इसके अंदर वैल्यूज पुट अप करेंगे, n की वैल्यू 3S के लिए 3 है, ठीक है, l की वैल्यू s है तो 0 है। नंबर ऑफ नोड्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ नोड्स के लिए फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1 है। तो आप यहाँ क्या रखते हैं, n की जगह वैल्यू रखी 3, l की जगह 0 एंड 1, इट मीन्स यहाँ जो आपके पास क्या आए हैं, नोड्स आए हैं वो कितने आए हैं, 2 आए हैं।
ठीक है, नाउ डिस्कस करते हैं हम किसको, 3p को। तो 3p के केस में n की वैल्यू आपके पास 3 है, l की वैल्यू आपके पास 1 है, एंड नंबर ऑफ नोड्स आप फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ नोड्स फॉर्मूला आपके पास अगेन n माइनस l माइनस 1, दैट इज n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 माइनस 1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ जो नोड आता है दैट इज 1, ठीक है, यहाँ क्या आएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। नाउ नेक्स्ट वन क्या है आपके पास, 3d। तो 3d के केस में n की वैल्यू 3, l की वैल्यू आपके पास 2, और नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स यदि आप देखते हैं तो फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1 हुआ। तो आपके पास n की वैल्यू 3 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ 3d के केस में नोड क्या आते हैं, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने यहाँ से देखा, आपने नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट किए 2, 1 एंड 0, और इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कर्व फॉर्म करते हो, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो आपके पास इन तीनों केसेस में क्या आएगा, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है। आप ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करते हैं, आप प्लॉट करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी दैट इज 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर साई स्क्वेयर एंड आर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ टू नोड्स हैं, तो टू नोड्स के लिए आप क्या रिप्रेजेंटेशन करते हो, दिस वन इज हियर फर्स्ट नोड एंड देन आपके पास सेकेंड नोड एंड देन आपके पास क्या होगा विदाउट नोड, ठीक है। नाउ सेकेंड क्या है आपके पास, वन नोड है, तो आपके पास आप वन नोड फॉर्म करेंगे, ये आपके पास क्या हुआ वन नोड के लिए। नाउ 3d के लिए कोई नोड नहीं है, तो आपके पास जो कर्व है वो इस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर्व शो कर रहे हैं, तो कर्व शो करने के लिए आपने कहा कि यहाँ आपके पास क्या थे, टू नोड्स थे, यहाँ आपके पास वन नोड है और यहाँ आपके पास कोई नोड प्रेजेंट नहीं है, क्वेश्चन MCQ के 2014 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन क्या होते हैं, क्वेश्चन केयू के 2011 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए रेडियल पार्ट जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है और एंगुलर पार्ट जो है वो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन एंड शेप से, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि हम जो रेडियल पार्ट है उसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास आर, स्मॉल आर से, और जो एंगुलर पार्ट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा एंड प्रोडक्ट बाई फाई, ठीक है। तो देखिए जो रेडियल पार्ट होता है आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जनरली हम क्या बोल सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, कितनी दूरी पर है न्यूक्लियस से, दैट विल रिप्रेजेंट बाय द रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है। जनरली हमने इसको रिप्रेजेंट किया है आर आर से, ठीक है। यदि आप सपोज कीजिए, यदि हमने किसके लिए देखा है, हाइड्रोजन एटम के लिए देखा है, 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसके लिए यदि हम देखते हैं तो इसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला आता है आर आर के लिए रेडियल वेव फंक्शन के लिए वो होता है आपके पास 2 जेड अपॉन दिस वन इज जेड जेड दिस वन इज जेड हियर जेड अपॉन आपके पास होता है एनोर पावर 3/2 ए माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट, ठीक है। तो इसमें यदि हम वैल्यू पुट अप करेंगे, जेड एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आएगा, 1s के लिए रेडियल वेव फंक्शन आएगा। नाउ जो सेकंड डिस्कस करते हैं वो किसका है आपके पास, एंगुलर वेव फंक्शन का। तो देखिए जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो डिटरमाइन करता है आपके पास, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग शेप एंड ओरिएंटेशन, शेप एंड ओरिएंटेशन, शेप एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस, ठीक है। ओरिएंटेशन और स्पेस के जो आपके पास शेप है उसके बारे में बताता है। तो जनरली देखिए जो क्वांटम नंबर है आपके पास, कौन कौन से क्वांटम नंबर शेप एंड ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं, वो बताते हैं एल एंड एम। तो एल एंड एम के ऊपर जो है वेव, एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड करता है, ओके। जनरली हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, थीटा इंटू पाई, ओके। यदि हम फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम के एस ऑर्बिटल के लिए,
ठीक है, हाइड्रोजन और एटम के 1s और ऑर्बिटल के लिए यदि हम क्या करते हैं एंगुलर वेव फंक्शन फाइंड आउट करें, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, थीटा फाई इज इक्वल टू 1/4π½। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि एंगुलर वेव फंक्शन तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एल और एम की वैल्यू के ऊपर, एजीमिथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंटम के अंदर। ठीक है, और जो आपके पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, रेडियल पार्ट। तो रेडियल पार्ट जो है वो डिपेंड करता है आपके पास किसकी वैल्यू के ऊपर, वो डिपेंड करता है एन और एल की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो ये एन एंड L की वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जड़ की वैल्यू रख रहे हैं, दैट इज जड़ क्या है आपके पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताएगा। तो ये आपके पास क्या है, रेडियल वेव फंक्शन तो बताता है आपके पास कि डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कहाँ से न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर है, इस किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल एंड एल के ऊपर। ठीक है, एन एंड एल के ऊपर। और जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो डिटरमाइन करता है ओरिएंटेशन क्या है, शेप क्या है स्पेस के अंदर, डिपेंड किसके ऊपर करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एल एजीमिथल क्वांटम नंबर के ऊपर। क्वेश्चन केयूके 2011 के अंदर पूछा गया। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, दैट इज ड्रॉ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर एन इज इक्वल टू 3 एंड एल इज इक्वल टू 0। फर्स्ट केस आपके पास ये गिवन है, सेकंड केस गिवन है जब एल एन की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू 1 है। केयू के 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट केस हम जब डिस्कस करते हैं उसके अंदर क्या है, एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 3, एल की वैल्यू गिवन है 0, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है 3s को। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट कीजिए, नंबर ऑफ नोड्स, जब आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकालना है तो नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करते हैं आप, n-n-1, तो आपके पास क्या हुआ, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, -1, इट मींस आपके पास नोड आते हैं 2। तो जब आप इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर्म करते हैं तो आपके पास क्या आने चाहिए, 2 नोड्स आने चाहिए, फर्स्ट नोड इज दिस वन एंड देन आपके पास सेकेंड नोड एंड ये आपके पास क्या है, कर्व। ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस के बीच में किया है, 4π r² dr ψ² एंड r डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी एंड डिस्टेंस r के बीच में। तो ये था आपके पास फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस डिस्कस करते हैं, सेकंड केस के अंदर इसने वैल्यू जो दी है वो क्या दी है, n इज इक्वल टू दिया है 2, l की वैल्यू दी है 1। तो देखिए 2 जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, l 1 होता है तो रिप्रेजेंट करता है 2p को। नाउ नंबर ऑफ नोड्स देखिए, नंबर ऑफ नोड्स वो क्या आ जाएंगे आपके पास, n-l-1। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या है, 2 है, 1 है एंड 1 है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ नोड्स देखते हैं तो आपके पास आता है 0। ठीक है, तो इसके लिए आप जब रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर्म करोगे, मीन्स कोई नोड यहाँ पर नहीं है तो विदाउट नोड आपके पास कर्व फॉर्म होगी। कर्व किस किस के बीच में है, 4π r² दिस वन इज 4π r² dr ψ² एंड डिस्टेंस r के बीच में। ठीक है, तो ये था आपके पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, क्वेश्चन KUK 2013 में पूछा गया है।